हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो कैपिटल। वीडियो ओनली फॉर योर एजुकेशनल पर्पज। एक बार डिस्क्लेमर रीड कर लीजिएगा। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एंजल ब्रोकिंग का डैशबोर्ड कैसे चलता है, उसमें स्टॉक कैसे बाय सेल, ऐड टू वॉच लिस्ट, उसके अलावा डिफरेंट टाइप के स्कैनर हैं, उसे कैसे यूज करना है। तो चलिए चलते हैं एंजल ब्रोकिंग वेबसाइट पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एंजल ब्रोकिंग लॉगिन कर लिया है लैपटॉप में। तो आपको देखिए डैशबोर्ड में कैसा दिखाई होता है। और एप्लीकेशन तो आप अगर यूज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास सिस्टम है उसमें अगर यूज करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो हम लोग इसमें लैपटॉप सिस्टम में देखते हैं कि कैसा इसका डैशबोर्ड है और कैसे हमें यूज करना होता है। तो जैसा लॉगिन करने के बाद आप देखोगे तो यहाँ पे निफ्टी 50, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी और इंडिया विक्स, ये चारों एक ही स्क्रीन में आपको मिल जाता है। यहाँ पे भी ये डैशबोर्ड में क्लिक है। डैशबोर्ड में आप देखोगे तो यहाँ पे इंडेक्सेस हैं, जैसे कि निफ्टी 50 का, निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक, निफ्टी 100, निफ्टी एफएमसीजी, ये सब कुछ आपको एक ही स्क्रीन में मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप ग्लोबल इंडेक्सेस में क्लिक करते हैं तो ग्लोबल इंडेक्सेस भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें इक्विटी समरी में, इक्विटी समरी में देखिए टॉप गेनर, टॉप लूजर, मोस्ट एक्टिव वाई वैल्यू, मोस्ट एक्टिव वाई वैल्यू, इसके अकॉर्डिंग सभी स्टॉक आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। जो टॉप गेनर हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी, टॉप लूजर की लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी, सभी कुछ आपको एक ही स्क्रीन में अवेलेबल है। ये तो हमारा बात हो गया इक्विटी समरी। उसके बाद हम लोग देखते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में यहाँ पे आप देखोगे, देखिए फ्यूचर का जो प्राइस है उस बेस पे है, फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट है उस बेस पे है। तो फ्यूचर की प्राइस में यहाँ पे आपको प्राइस गेनर, प्राइस लूजर, प्रीमियम, डिस्काउंट, ये चारों ही मिल जाएंगे। उसके बाद फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट के बेस में अगर देखें यहाँ पे तो गेनर, लूजर, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग, सभी स्टॉक आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ऐसा बहुत सारा फंक्शन है जो कि एक ही स्क्रीन में अवेलेबल हो जाता है। मे भी और सभी ब्रोकर में ऐसे सिस्टम होते नहीं हैं कि एक ही स्क्रीन में आप सब कुछ आपको अवेलेबल हो। इसके अलावा देखिए मैं आपको और दिखाता हूँ, यहाँ पोर्टफोलियो में आपका जो पोर्टफोलियो है वो सब कुछ आ जाएगा, मतलब पोजीशन, होल्डिंग, ऑर्डर बुक, सब कुछ उसमें अवेलेबल होगा। थर्ड नंबर मार्केट पे, इस पर क्लिक करेंगे तो मार्केट में जो भी हमें ट्रेडिंग करना है, इसके अलावा फंडो ऑप्शन ऐड करना है वॉच लिस्ट में, ये सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। देखिए यहाँ पे वॉच लिस्ट के लिए एक ये है, सेकंड नंबर यहाँ पे है, थर्ड नंबर यहाँ पे है, फोर्थ नंबर, ऐसा करके आप वॉच लिस्ट भी बना सकते हो। यहाँ पे मान के चलिए मुझे फिफ्थ नंबर वॉच लिस्ट बनाना है, तो यहाँ पे अगर मैं एक्सिस बैंक करता हूँ तो एक्सिस बैंक ही अवेलेबल हो जाएगा, एक्सिस बैंक का फ्यूचर। अब यहाँ पे एक्सिस बैंक आ गया, अब मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो एक ही स्क्रीन में सब कुछ अवेलेबल हो गया है। यहाँ पे आप देखिए ये बाय एंड सेल करने के लिए हैं, और इसमें जो क्वांटिटी एंड ऑर्डर लग रहे हैं यहाँ पे आपको लास्ट 5 वीक का आस प्राइस एंड बिट प्राइस दोनों ही मिल जाएंगे। उसके बाद बाय एंड सेल करने के लिए डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो एक्सिस बैंक हमने नॉर्मल स्टॉक जो कैश इक्विटी में है उसके लिए किया है, तो यहाँ पे बाय एंड सेल, एक बार देखिए बाय एंड सेल करके देख लेते हैं। जैसे मैंने बाय पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए एक्सिस बैंक क्वांटिटी आप चेंज कर सकते हो, यहाँ से प्राइस भी आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, ये देखिए डिलीवरी में है इंट्राडे मार्जिन, इसका मतलब डिलीवरी मतलब आपके पास जितना भी फंड है, मान के चलिए 10,000 हैं तो 10,000 में ही आपको ट्रेड करना है, कुछ नहीं मिलेगा। डिलीवरी मतलब कल परसों किसी दिन के लिए भी आप होल्ड कर सकते हो। इंट्राडे में अगर आप क्लिक करेंगे तो सेम डे के लिए होगा, मार्जिन में क्लिक करेंगे तो आप इसे होल्ड कर सकते हो बट ये मार्जिन में रहेगा। तो यहाँ पर आपको जो है कुछ मार्जिन मिल जाएगा एंजल ब्रोकिंग तरफ से। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। अगर आप इंट्राडे में सेल करना चाहो तो सेल के लिए भी यहाँ पे आप सेम प्रोसेस करना है, बस इसमें आपको डिलीवरी और मार्जिन नहीं होगा, ओनली इंट्राडे, क्योंकि सेल साइड हम जो है सिर्फ इंट्राडे में ही ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद मान के चलिए अगर मुझे एक्सिस बैंक के ऑप्शन में ट्रेड करना है, हाँ एक चीज़ और, आप इसे स्क्रॉल डाउन यहाँ पे करते हैं और ये चार्ट भी अवेलेबल है, ऐसा क्लिक करेंगे तो चार्ट के लिए नया पेज ओपन हो जाएगा। अभी एंजल ब्रोकिंग ने सिस्टम अपग्रेड कर दिया है तो चार्ट भी बहुत अच्छा मिलता है आपको ट्रेडिंग व्यू का, ये देखिए ओपन हो गया, तो यहाँ से आप जो है चार्ट भी देख सकते हैं। उसके अलावा जैसा कि मैं बता रहा था ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए, तभी जैसे मैंने एक्सिस बैंक इसमें यहाँ पे क्लिक किया है, ठीक है, अभी चार्ट के बगल में देखिए ये है ऑप्शन चैन, ऑप्शन चैन में जैसे ये बड़ा करते हैं स्क्रीन बड़ा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक्सिस बैंक का जो आप स्ट्राइक में ट्रेड करना चाहो आपकी मर्जी से एक ही पेज में आपको यहाँ पे मिल जाता है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो एक्सिस बैंक 800 रुपये के आसपास चल रहा है, तो ये 800 रुपये का है। ये आपको देखोगे यहाँ पे कॉल और यहाँ पे पुट,
और यहाँ पे आप कॉल पुट जो भी आप बाय करना चाहो सेल करना चाहो आपके आपको एक ही स्क्रीन में मिल रहा है, आप इजीली बाय सेल कर सकते हो। उसके बाद अभी देखिए ये हो गया, और मुझे इन केस इसके फ्यूचर में ट्रेड करना है तो सिंपली टाइप आप करेंगे एक्सिस बैंक फुट, तो ये फ्यू आ गया, यहाँ से आप ऐड करके ये ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 30 सितंबर ये यहाँ पे इसका फ्यूचर का प्राइस आ गया है, तो ये हो गया। अभी आपको एफेंडो डाटा चाहिए, चार्ट चाहिए या ऑप्शन चैन चाहिए एक साथ, तो यहाँ से एफेंडो डाटा में क्लिक करोगे, वॉच लिस्ट में अभी तक हम थे, एफेंडो में क्लिक करते ही फ्यूचर एंड ऑप्शन के जो डाटा हैं लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, ये सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा कौन कौन से स्टॉक हैं। जैसे इस मैं यहाँ पे क्लिक किया तो शॉर्ट बिल्डअप में ये सभी स्टॉक हैं, शॉर्ट कवरिंग में ये सभी स्टॉक हैं, लॉन्ग बिल्डअप में ये सभी स्टॉक हैं, ये आपको मिल गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर आप देखते हैं सेक्टर में परसेंटेज वाइज और ये वॉल्यूम वाइज रोल ओवर कौन से स्टॉक में, तो यहाँ पे ये भी आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद ओपन इंटरेस्ट गेनर, ओपन इंटरेस्ट लूजर, यहाँ पे पुट कॉल का जो रेशो ये भी आपको मिलेगा। हिट मैप में क्लिक करेंगे तो एक ही पेज में सब कुछ एक साथ ही डाटा आ जाएगा। देखिए यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो, लॉन्ग बिल्डअप की चाहिए, शॉर्ट कवरिंग, या तो यहाँ से आप शॉर्ट बिल्डअप यहाँ सब चेंज कर सकते हो। और उसके अलावा इसके कस्टमाइज करना है, जैसे सेक्टर ऑल में बैंकिंग में सिर्फ बैंकिंग का चाहिए तो बैंकिंग का ही, ऐसा करके यहाँ पे जैसे लॉन्ग बिल्डअप में मैंने क्लिक कर लिया और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया मान के चलिए एनर्जी में, तो रिलायंस जो है टॉप में है, यहाँ से फाइनेंस तो फाइनेंस के लिए भी, तो ऐसा करके आप चेंज कर सकते हैं। अब देखिए कौन कौन से सेक्टर का जो मतलब प्राइस के हिसाब से या उसके वैल्यूम के हिसाब से, ये प्राइस के हिसाब से है, ये ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से है, वैल्यूम के हिसाब से है, रोल ओवर, तो ये भी आप देख सकते हो। ऑप्शन में देखना चाहो एक साथ कि ओपन इंटरेस्ट गिनर कौन सा है, लूजर कौन सा है, तो भी यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे ओपन इंटरेस्ट गिनर जो है रिलायंस 2440 का पुट है, मतलब यहाँ पे इस पर शॉर्ट सेलिंग चल रही है, ऐसा करके यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। वैल्यूम गिनर में आप देखोगे तो रिलायंस का 2400 का सी है जिसमें सबसे ज़्यादा वैल्यूम में बाइंग हो रही है, तो आपको ऑप्शन के लिए फिल्ट्रेशन यहाँ पे मिल जाता है कि कौन सा ऑप्शन अगर आप बाय करते हो तो ज़्यादा बेटर है या तो फ्यूचर के लिए। मोस्ट एक्टिव में 2400 का सी है रिलायंस का ही, यहाँ पे सब कुछ मतलब आपको एक ही स्क्रीन में, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कहीं और जाके स्क्रीनर लेने की ज़रूरत है, एक ही स्क्रीन में आपको सब कुछ डाटा अवेलेबल होता है। यहाँ पे आप फ्यूचर में क्लिक करोगे तो फ्यूचर के लिए भी है कि ओपन इंटरेस्ट गेनर कौन सा है, ओपन इंटरेस्ट लूजर कौन सा है, वैल्यूम गेनर कौन सा है। तो जैसे कि आज रिलायंस आप देखोगे तो निफ्टी 50 को लाइफ टाइम हाई, खुद भी लाइफ टाइम हाई है और उसके अलावा निफ्टी 50 को भी लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड करा रहा है। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं कि सब कुछ एक ही स्क्रीन में है, तो आपको ट्रेड करने में बहुत आसानी इजली होगा अगर आप लैपटॉप सिस्टम इस पर अगर ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। ये जो फंक्शन है डैशबोर्ड और मार्केट का, यही सबसे मेन है। उसके बाद आप चार्ट में आओगे तो चार्ट के लिए तो जो आपको चाहिए वो पहले मैंने बता दिया था, वैसे आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ पे आप चेंज करके भी कर सकते हो। अगर आपको कुछ दूसरा चाहिए स्टॉक तो टाइप करेंगे आ जाएगा, जैसे मान के चलिए SBIN ये मैंने टाइप कर दिया। ये ट्रेडिंग व्यू का ही चार्ट है। इसके बाद देखते हैं हम लोग ऑप्शन चैन में, ऑप्शन चैन में जैसे कि बाय डिफॉल्ट निफ्टी का ओपन है। अब निफ्टी का यहाँ पे आप जो है बाय सेल इजली आप कर सकते हो, जिसमें आप करना चाहो यहाँ पे बाय सेल के लिए आ जाता है। ये कॉल साइड है, पुट साइड है, सभी में सेम रहेगा। और मुझे किसी दूसरे स्टॉक का चाहिए, बैंक निफ्टी का चाहिए, तो भी मैं यहाँ पर टाइप करके कर सकता हूँ। यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी का है, और यहाँ से आप एक्सपायरी भी चेंज कर सकते हो। तो ये डाटा आ गया। तो आपको जो है अगर एंजल ब्रोकिंग में सिस्टम के थ्रू ट्रेड करना चाहते हैं या डाटा एनालिसिस करना चाहते हैं तो बहुत ही बेस्ट है, कहीं भी आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
एडवाइजरी चाहिए तो एडवाइजरी भी आपको यहाँ पे स्क्रीन में एक ही स्क्रीन में अवेलेबल हो जाता है, जहाँ से आपको दो से तीन टाइप की एडवाइजरी मिलते हैं। अभी देखिए 3 सितंबर को जो जो मिला है यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा टेक्निकल, डेरिवेटिव, करेंसी, सब कुछ है। और बाकी फ़ंड के लिए आप यहाँ से फ़ंड आपका कितना है, कितना ऐड करना है, वो सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ से जैसे ये नेट बैंकिंग एंड UPI के थ्रू दो आपको मिलते हैं, इंटर अमाउंट करना है, उसके बाद नेट बैंकिंग थ्रू करना चाहो तो यहाँ से, UPI से करना चाहो तो ऐड फंड यहाँ से आप कर सकते हो, विड्रॉल करना चाहो तो जो भी फंड अवेलेबल रहेंगे आप यहाँ पे अमाउंट डाल के विड्रॉल कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी वाइज रिपोर्ट ये कुछ भी चाहिए तो भी डाटा अवेलेबल है। इसके अलावा ये रिपोर्ट में क्लिक करते हैं तो आपका जो रिपोर्ट है, मतलब आपने जो ट्रेड किए थे, लेक्चर रिपोर्ट था, ये सभी कुछ यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। तो आपको मैंने बता दिया कि ये डैशबोर्ड सिस्टम कैसा है और कैसे यूज करना है, कैसे बाय एंड सेल करना है, और एक ही स्क्रीन पे सभी कुछ डाटा अवेलेबल हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको अकाउंट ओपनिंग करना है तो एंजल ब्रोकिंग के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहां से अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस भी कर सकते हैं। इन केस कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप हमें उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर भी अवेलेबल है।